नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर, मैं एक्सीबीआई सब इंस्पेक्टर प्रेजेंट वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। स्वागत है आपका। मैं अपने आईटीओ एग्जाम से फ्री हो गया हूँ। जब डिपार्टमेंट में आप एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एज टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको दो एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कन्फर्मेशन एग्ज़ाम और दूसरा इनकम टैक्स ऑफिसर्स का एग्ज़ाम। यदि आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बन सकते। यदि आपने डायरेक्ट एज इंस्पेक्टर ज्वाइन किया है तो जब आप इंस्पेक्टर का कन्फर्मेशन एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब आप आईटीओ का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपके दो इंक्रीमेंट्स एक साथ लगते हैं, और एक इंक्रीमेंट का मतलब है कि 3% बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी, तो लगभग लगभग आपका 3,500 रुपये के आसपास आपका इंक्रीमेंट होता है। वहीं पर जब आप एज टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं तो जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपके दो इंक्रीमेंट वहां लगेंगे, और अगेन फिर जब आप आईटीओ का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो दो इंक्रीमेंट आपके वहां लगेंगे। और मैं आपको एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर बता देता हूं। जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है उसमें आपके चार पेपर होते हैं। पहला है इनकम टैक्स रूल्स, जिसमें कि आपका इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा है आपका अकाउंटेंसी, जिसमें कि जो 11th क्लास की अकाउंटेंसी की बुक है उससे आप पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, पूरा सिलेबस उसी से आता है। और तीसरा आपका सब्जेक्ट रहता है एलाइड लॉज। एलाइड लॉज में आपका हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, स्टाम्प ड्यूटी एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आपका कंपनीज एक्ट, क्योंकि ये सारे एक्ट का इनकम टैक्स की वर्किंग में कुछ ना कुछ हेल्प रहती है, तो इसलिए उससे रिलेटेड एक तीसरा पेपर होता है। और चौथा पेपर आपका होता है ऑफिस प्रोसीजर, कि जब आपको छुट्टी लेनी है तो कितने दिन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या जो आपके बाकी के ऑफिस रूल्स वगैरह रहते हैं उनसे रिलेटेड आपका पेपर रहता है चौथा। वहीं पर जो आईटीओ का एग्ज़ाम है उसमें जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो लगभग लगभग यही रहते हैं, बस थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि उसमें पहला सब्जेक्ट रहता है इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल्स, तो इसमें आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के आते हैं। दूसरा पेपर रहता है एडवांस अकाउंटेंसी, उसमें आपका 12th स्टैंडर्ड की जो अकाउंटेंसी की बुक है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा आपका पेपर रहता है एलाइड लॉज का, अगेन उसमें और ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछेंगे। और चौथा जो पेपर रहता है वो काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, वो डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर रहेगा इनकम टैक्स एक्ट एंड एडवांस अकाउंटेंसी का। उसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो वो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करके तब बनाना पड़ेगा। ये जो चौथा पेपर रहता है ये काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, और इसमें सीए फाइनल ईयर से क्वेश्चंस आते हैं। अभी रिसेंट में 9 तारीख को जो पेपर हुआ है वो भी काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आया था, और कई लोगों ने उसमें कंसर्न भी रेज किया है कि इतना डिफिकल्ट पेपर 3 घंटे में कर पाना संभव नहीं है। इसमें मेरे खुद के दो पेपर मैंने लास्ट टाइम क्लियर कर लिए थे, दूसरा और तीसरा, और पहला और चौथा पेपर मैंने इस बार दिया था, तो मैं उसी में इतने दिनों से बिजी था। एग्ज़ाम जनरली जुलाई में होता है और इसका रिजल्ट जो आता है वो दिसंबर में आता है, बट इस साल कोरोना की वजह से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होकर अक्टूबर में हुआ है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कब आता है। एग्ज़ाम साल में सिर्फ एक ही बार होता है, और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको 10 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आप 10 अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए तो फिर आप आईटीओ का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और आप आईटीओ नहीं बन पाएंगे। यदि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं और आपको अगर इंस्पेक्टर वाली लाइन में जाना है तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे, बट यदि आप अपनी मिनिस्ट्रियल लाइन में ही चलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई पेपर नहीं देना है, आपका रूटीन तरीके से आपका प्रमोशन होगा। बट उसमें डिफरेंस ये है कि जब आप आईटीओ वाली लाइन में आ जाएंगे तो इसमें आप काफ़ी ऊंची पोस्ट तक जा सकते हैं, बट एज अ मिनिस्ट्रियल लाइन में नहीं है। चले दोस्तों, मेरी तरफ से आज इतना ही, और मैं आपके साथ मिलूंगा एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।